Good morning, everyone. Today we are starting new topic named logarithm, right? This topic we will, this is totally a new topic and new terminology that's called logarithm. So we have to understand the new terminology, history of this, and we have to know like how to use this in questions and all, right? So let's start with logarithms, right? So what we are going to do in this logarithm session, the first we have to know the history of this logarithm. What is this logarithm? Kyun aaya? Kaise aaya? Kya uses hai, right? The different terminology, log, anti-log, right? Indices are included in this, right? So kaise wo use hone hai? What is the definition of this logarithm? Right, laws, क्या क्या laws हैं and how to apply the laws, right? And system of logarithm, जिसमें बहुत सारे different हमें questions पर application की बात हो जाएगी, right? Then it's called characteristic and mantissa, new terminology है, उसे हम लोग को समझना होगा exactly what is this new terminology in this characteristic and mantissa. Actual में होता क्या है कि जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि 2 to the power 100, अगर इतना बड़ा सा नंबर दे दिया हमने, and now I'm asking कि ये कितने डिजिट का नंबर होगा, right? तो सोचने में लगता है कि this is a very 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 tough question, but with the help of logarithm ये fraction of second का काम हो जाता है, right? Log 2 की वैल्यू मालूम हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी इंटीग्रल पार्ट है वहां से हम लोग आंसर डायरेक्टली निकाल लेते हैं. तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेकिन ऐसे सोचने में मैं बोल दूं सीधा का सीधा कि लाइक 7 to the power 10,000, राइट, कितने डिजिट का नंबर होगा, तो ऑब्वियसली बात है इफ डोंट नो अबाउट दिस लॉगरिथम एंड ऑल, तो वहीं पर हम फंसे रह जाएंगे कि एग्जैक्टली ये क्या नंबर होगा, कितना बड़ा जा रहा होगा, क्या रहा होगा, राइट? तो ये पूरी चीजें एंड लास्ट इसका होगा इनइक्वालिटीज के साथ. जैसे हम लोग लॉगरिथम में भी मॉडुलस में भी हमने देखा था कि इक्वालिटी एक टर्म होती है, दूसरी टर्म इनइक्वालिटीज होती है. तो इनइक्वालिटीज का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है एंड वहां पर अंडरस्टैंडिंग हमें लानी होती है कि फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, राइट? सो ये पूरा है हमारा सेशन जिसमें मैं समझाना चाहूंगा आपको क्या क्या रहेगा. आई होप कि हम लोग आज फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 तक हम लोग कुछ वर्किंग कर पाएंगे. हम लोग फर्स्ट 3-4 तक ही हमारी वर्किंग हो पाएगी, राइट? नाउ दिस हिस्ट्री ऑफ दिस, राइट? जॉन नेपियर वॉज अ मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, फिजिसिस्ट, राइट? एक बहुत बड़ा नाम था जॉन नेपियर का. पहले जमाने में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते थे लोग, तो जब रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते थे तो दे यूज देयर कंसेप्ट एज ए मैथमेटिशियन भी यूज कर लेते थे, फिजिसिस्ट भी यूज कर लेते, तो बाउंड्रीज नहीं थी. धीरे धीरे करते करते बहुत स्पेसिफिक किया गया, इफ यू आर इनटू फिजिक्स तो यू हैव टू ओनली लर्न द फिजिक्स, और मैथमेटिक्स में हो तो मैथमेटिक्स पढ़ना है. दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने लाइज प्रोज एंड काउंस हमेशा हर चीज के रहते हैं. पहले इसलिए आप देखते हो कि एक आदमी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्किंग कर पाता था, लेकिन अब को आप देखोगे तो वो डिफरेंट वर्किंग नहीं हो पाती है, बहुत स्पेसिफिक फील्ड में होते हैं. ये भी बोल सकता हूँ कि अभी के फील्ड इतने नैरो डाउन हो गए हैं कि उस फील्ड में ही जाके कुछ बहुत बड़ा करना अपने आप में बहुत लाइक अचीवमेंट की बात होती है. दैट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर एवरीवन, राइट? सो इसी प्रोसेस में नेपियर को अच्छा क्या मिला कि हिज फादर वॉज एक जो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होते थे ना, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, तो ही वॉज इनटू कि बहुत सारे कलेक्शन मनी वगैरह के होते थे एंड उनको लाइक अकाउंटिंग वगैरह के लिए एवरी टाइम ही हैज टू टेक अ हेल्प ऑफ नेपियर. अब नेपियर बेचारे गरीब आदमी परेशान हो जाते थे कि व्हाट इज दिस यार, एवरी डे आई हैव टू काउंट द थिंग्स, एवरी डे आई हैव टू राइट डाउन द सेम थिंग्स एंड एवरी डे लाइक काउंटिंग एंड गोइंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग एट डे, लाइक सेम थिंग आई एम डूइंग, नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, राइट? नॉट गिविंग एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑन दिस, राइट? तो नेपियर ने अपना एक सिस्टम निकाला, लाइक हम लोग भी अपना सिस्टम निकालते हैं कि भाई कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए, राइट? याद आ गया मेरे
मतलब बचपन में फ्रेंड था, ही वॉज अ बिजनेस मैन एंड उसकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट थी कि जब भी उसे एड सबट्रैक्ट करना था, कन्फेक्शनरी शॉप था मतलब मिठाई वगैरह की दुकान और वो सब ऑल डिफरेंट होते हैं ना, वो था एंड वो इतना फास्ट कैलकुलेशन कर रहा था। मैंने उससे पूछा ये करता कैसे यार तू, कि जैसे 73 है, 20, 21 है, कैसे करता है? तो वो बोला कि मैं यूनिट डिजिट को कभी ऐड ही नहीं करता, यूनिट डिजिट मेरे दिमाग में अपने आप चलता रहता है, मैं केवल 10 डिजिट को ऐड करता हूँ, और अगर 100 डिजिट वाले तो केवल 100 को ऐड करता हूँ, वो दोनों अपने आप दिमाग में मेरे चलते। तो उसने अपने आप को ऐसा डेवलप कर लिया था, बट ही वॉज नॉट अ वेरी स्कॉलर और समथिंग, राइट, एक नॉर्मल सा बंदा था, बट कैलकुलेशन करते 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 आप यूज टू होते हो किसी चीज के, तो धीरे धीरे वो आ जाती है, राइट, दैट्स कॉल्ड द मसल मेमोरी, राइट। यही मसल मेमोरी होता है कि बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो साथ शुरू में नहीं आती है। 10th तक में आपके स्टडी में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, दिक्कत होती है, लेकिन आप बार बार उसी को क्वेश्चन को करते 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 इतना आदत में आ जाता है कि एक स्टेज आने के बाद होता है कि कुछ भी करवा लो सब हो जाएगा। तो ये जॉन नेपियर का एक बड़ा अच्छा सा उनको अपॉर्चुनिटी मिला कह लो या जो भी। तो जॉन नेपियर के बारे में ये भी बोला जाता है कि ये ही वॉज अ स्पाइडर मैन, मतलब स्पाइडर मैन उस सेंस में नहीं है, स्पाइडर मैन अभी वाला ये एक स्पाइडर, ब्लैक स्पाइडर अपने पास रखते थे, वो जादू टोना जो होता है ना, वो जादू टोना के लिए ये अपने पास रखते थे और कैलकुलेशन वगैरह करके बताते थे यार तू गया, राइट। तो ये जॉन नेपियर का लाइफ में एक बहुत बड़ा जो चेंज था जो अभी मैंने बताया आपको, ये बहुत ही क्लेवर मेथड इन्होंने निकाला जो मल्टीप्लीकेशन है या डिविजन है उसको वर्किंग के लिए, लाइक कि व्हाट टू डू टू मल्टीप्लाई द थिंग्स को, मल्टीप्लाई को उन्होंने एडिशन में कन्वर्ट कर दिया, डिवीजन जो था उसे सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा और इसको फिर देखते हुए वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑयलर के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, तो उन्होंने इस पूरे कंसेप्ट को यूज करना शुरू किया कैलकुलस के लिए। जब कैलकुलस के लिए यूज करना शुरू किया तो उन्होंने एक कांस्टेंट दिया, दैट्स कांस्टेंट इज नोन एज ई, राइट, एक्सपोनेंशियल, तो नाम भी उनको वही दिया कि जो लॉगरिदम जो यूज होता है उस लॉगरिदम में ई को यूज किया गया। ई के बारे में भी स्टोरी सुनाऊंगा, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे उसका समय आता है। अभी तो ऑब्वियसली वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक ऑफ दिस, राइट। सो एक डेवलपमेंट जो है ना मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है और ये कंट्रीब्यूशन धीरे 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 बढ़ता गया और इसी कंट्रीब्यूशन में ये लॉगरिदम आया, राइट। बहुत सारे सिस्टम दिए गए, उन सिस्टम में जो बेस्ट तरीके से अडेप्ट कर लिया गया, जिसमें अडेप्टेबिलिटी सबसे अधिक आ गई, वही सिस्टम हमारे पास आगे चलता गया। सबसे अधिक जो यूज होता है लॉग का, राइट, सबसे अधिक यूज होता है वो केमिस्ट्री में यूज करते हैं कैलकुलेशन पार्ट के लिए, राइट। मैथमेटिक्स में तो हम लोग क्वेश्चंस वगैरह के लिए यूज करते हैं, बट धीरे धीरे आगे चलते हुए यू विल गेट टू नो कि इट्स अ गुड थिंग, राइट। नाउ अब ये क्यों यूज होने की जरूरत पड़ गई, कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो तो बात की बात है, क्यों यूज होने की जरूरत पड़ गई? तो अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन है जिसका रेंज बहुत बड़ा है, रेंज इतना बड़ा रेंज है कि वो लाइक माइनस से शुरू होके प्लस तक में जाता है, और उस रेंज को कवर अप करना या उस रेंज को कैलकुलेट करना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क, राइट। अब इसके लिए जैसे डेसिबल मेजरमेंट की बात होती है, जब लाउडनेस को हम लोग साउंड के लिए यूज करते हैं, तो साउंड की लाउडनेस है, अगर मैं पिन ड्रॉप कर रहा हूँ, राइट, उसकी जो लाउडनेस होगी, या विस्पर कर रहा हूँ, या आपस में बात कर रहा हूँ, या जेट इंजन जो चलता है, राइट, क्या उसकी आवाज होती है, राइट। तो ये डिफरेंस आप सोचो कि एक पिन ड्रॉप जो आपने किया वहां से और आप जेट इंजन तक को, राइट, साउंड की लाउडनेस को अगर आप मेजर कर रहे हो तो वो 10^0 से लेके 10^12 तक चला जाता है, राइट। अब लेकिन उसी डेसिबल को बोलने का तरीका हम लोग ये रखते हैं कि पिन ड्रॉप जो है उसे जीरो हम लोग अगर काउंट करते हैं, राइट, तो जेट इंजन को हम लोग 120 काउंट करते हैं, तो दिस इज द बेस, जबकि है वो नंबर मेरा 10^12,
वो मेरा नंबर है 10 to the power 10। तो बहुत सारे ऐसे साउंड्स वगैरह हैं या बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है एक मेजरमेंट, और उस मेजरमेंट के लिए कहीं ना कहीं हमें बेस बनाना पड़ता है। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अगर आप जानते हो तो गेट टू नो कि रेडियो वेव्स जो निकलते हैं और गामा रेज जो निकलते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। राइट, द वेवलेंथ का जो लेंथ होता है रेडियो के लिए जो होता है 10 to the power 3, माइक्रोवेव्स होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं, घर में जो माइक्रोवेव्स यूज करते हो आप, राइट, बीज वगैरह जो होते हैं वो अपने रास्ता खोजने के लिए जब यूज करती है, विजिबल हमारे जो सेंसेस हमारे देखते हैं वो अलग होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इतने बड़े रेंज को दिखा पाना एक बेस हमें चाहिए था, कोई ऐसा बेस मिले जिससे हम पूरी की पूरी फ्रिक्वेंसी को राइट मेजरमेंट कर पाएं कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हम कहीं ना कहीं पूरी के पूरा कहाँ नहीं कर पाएं, राइट, कि इसके कैलकुलेशन कर पाएं, इनको ऐड कर पाएं, सब्ट्रैक्ट कर पाएं। तो एक बेस की बहुत अधिक ज़रूरत थी कैलकुलेशन के लिए, तो उसके लिए एक अच्छा टूल के जैसा हमारे पास यूज होना शुरू हुआ, दैट्स कॉल्ड द लॉगरिथम। राइट, होता क्या है ये, राइट, ये तो है कि ऐसा ऐसा यूज है इसका, बट व्हाट दिस, राइट, इसे समझने के लिए सबसे अच्छा एक मैंने ये चार्ट बना के रखा है। राइट, अगर मान लो मैंने ए की वैल्यू 2 रखी, एन की वैल्यू 3 रखी, राइट, ए इज 2, एन इज 3, तो एक्स विल बी 8 ओनली। मैं डायरेक्टली यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये नंबर मेरा 8 चला जाएगा, राइट, ठीक। थर्ड वाले पे आता हूँ, ए की वैल्यू मेरे को निकालनी है, हाँ, एक्स मेरे पास गिवन है 2, एन गिवन है 3, दिस विल बी 2 to the power 1/3, राइट, ये भी आ गया मेरे पास। अब यहां अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ए की वैल्यू मैंने 2 रखी हुई है, राइट, एक्स की वैल्यू मैंने 3 रखी हुई है, एन की मैं क्या वैल्यू रख दूं कि ये 3 = 2 to the power n हो जाए। अब यहां पर जाके मैथमेटिक्स को एक झटका लगा, यार n को क्या रखें, ये कैसे पता चलेगा, n की तो कुछ वैल्यूज हम लोग जानते हैं, अगर यहाँ पर 3 के जगह पर कोई नया नंबर रहता, ऐसा नंबर रहता जिसके बारे में हम लोग जानते हैं बचपन से, राइट, अब जैसे मैं यहीं पर नंबर जो था हमारे पास, उस नंबर को मैं बोलता कि ये नंबर 3 नहीं है, ये नंबर 4 है, राइट, 4 = ये नंबर गया हुआ है, राइट, तो वी नो दैट कि 2 to the power n, तो n की वैल्यू 2 कर दूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू 4, राइट, 8 है। ये नोन वैल्यूज के लिए तो मेरे पास पॉसिबल है, बट अननोन इस तरह की कुछ वैल्यूज मेरे पास अगर हो जाए तो वहां के लिए मेरे को एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि मेरे पास वैल्यूज है ही नहीं, राइट। तो अगर सेंस आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर है क्या, कोई एक एक्स नंबर है, राइट, इक्वल टू हमने कहा कि बेस नंबर है ए एंड उसका हमने पावर दे के रखा हुआ है एन, राइट, एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एन, राइट, तो द बेस इज ए, पावर इज एन, एंड दस यू आर गेटिंग द वैल्यू एक्स, राइट, जो आपको चाहिए होते हैं। और अगर मैं इसे थोड़ा यहां पर रीड करके बोलूं तो मैं बोलूंगा 3 = 2 to the power n, means what power we have to raise to the base 2 to get the value 3. फिर से सुनना, what power we have to raise to the value 2 to get the value 3. फिर से सुनना, what power we have to raise to the value 2 to get the value 3. Right? तो ये एक तरीका है जहां से हम लोग किसी तरह से अपनी values को निकाल पाए ना। तो इस ये रीजन भी बोल सकते हो जो हमारे लिए था, जहां पर से हम वैल्यूज को कैसे कनेक्ट कर पाए या कैसे निकाल पाए, राइट, आगे बढ़ रहा हूं, राइट, तो व्हाट इज दिस लॉगरिथम, क्या हुआ ये समझे, राइट, लॉगरिथम जो अभी मैंने जिस तरह से बताया आपको, y इज इक्वल टू, मान लो आपको गिवन है a टू द पावर x, y is equal to आपको गिवन है a टू द पावर x, राइट, अभी जो हमने बोला
ये बेस ए है, राइट, दिस इज कॉल्ड बेस, राइट, ये बेस ए है और आपने एक्स पावर इसको जनरेट किया हुआ है, राइट. अब आपको सोचना क्या है कि आपको क्या पावर आपने जनरेट करना है ए को टू गेट द वैल्यू जो भी आपके पास है, एक्स की वैल्यूज हमारे पास आ जाए, राइट. एक्स इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए वाई, मतलब व्हाट पावर वी हैव टू रेज टू ए टू गेट द वैल्यू वाई, व्हाट पावर वी हैव टू रेज टू ए टू गेट द वैल्यू वाई, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, एल ओ जी से लॉगरिथम के लॉग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, लॉग फोर विथ अ बेस टू. तो मैं टू का क्या पावर रेज करूं, व्हाट पावर आई हैव टू रेज टू 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 गेट द वैल्यू, राइट, टू गेट द वैल्यू फोर. तो ऑब्वियसली टू को मैं क्या रेज करूं पावर, तो ऑब्वियसली बात है टू रेज करूं पावर देन आई विल गेट द वैल्यू, तो वाई एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई टू. लेकिन इसी को मैं थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँ, राइट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन दिस विल वेरी. लाइक मैं अगर यहाँ पर ये कर देता हूँ फोर स्क्वायर, राइट, तो दिस विल बी 16. तो व्हाट पावर वी हैव टू रेज टू 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 गेट द वैल्यू 16. तो टू का क्या पावर ले जा सकता हूं मैं, फोर, राइट. सो दिस द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज 4, राइट. तो फाइंडिंग आउट व्हाट द पावर ऑफ बेस टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई इज नोन एज द लॉगरिथम, राइट. मतलब लॉगरिथम का मतलब क्या है, अब यहां पर तो एक समझाने की बात हो गई. The logarithmic function to the base a, where a must be greater than 0, not equal to 1. ये दो चीजें हमेशा ख्याल रखना, greater than 0 तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ not equal to 1 is denoted by y is equal to log x with a base a. So, what power you have to raise to a to get the value x, right? सब लोग अपने को mute रखते हुए ही कम से कम 3 से 4 बार बोलें इस बात को, y is equal to log x with a base a means what power we have to raise to a to get x, what power we have to raise to base a to get x, what power we have to raise to base a to get x. Start. राइट, ओके, मींस अगर मैं कह रहा हूं लॉग 8 विथ अ बेस 2, व्हाट पावर वी हैव टू रेज टू 2 टू गेट 8, व्हाट पावर वी हैव टू रेज टू 2 टू गेट 8, सो ऑब्वियसली 2 टू द पावर 3 विल बी 8, राइट. So, जब भी लॉग लिखा हुआ है, ये एकदम इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत बार दिमाग से निकल जाता है, ये हमेशा याद रखना, लॉग लिखने का मतलब ही ये है, इट्स कमिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू द पावर n, ये x इज इक्वल टू a टू द पावर n, ये a को मैं इधर ले जा रहा हूँ, ये n को पुश करके पावर में ले गया है, यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू a टू द पावर n, राइट डाउन एवरीवन. ओके, राइट. सो ये रहा मेरा बेसिक कि ये क्या रहने हैं, व्हाट इज लॉग
एंड कैसे यूज होने हैं, राइट ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बार बार मैंने आपको आदत में लाने की कोशिश की, राइट, हमेशा ख्याल रखना ये जो आ रहा है, ये आ रहा है ए टू दी पावर जो एन है वहां से हमारे पास आ रहा है, राइट। उसे कन्वर्ट करने के बाद ओनली यू आर गेटिंग दिस, राइट, जो हमने लास्ट वाले स्लाइड में भी मैंने दिखाया x इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन। ये देने के बाद ही आपके पास और कुछ आ रहा है जो गिवन है x इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन। ना x इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन मीन्स यू हैव टू गेट एन, देन यू आर सेइंग एन इज इक्वल टू log x with a base a. So what power we have to raise to a to get x, right? मतलब इससे आप यहां आ सकते हो तो यहां से आप वहां जा सकते हो, vice versa ये कहानी होनी चाहिए। अगर x इज इक्वल टू ए टू द पावर n लिखा हुआ है तो आपको ख्याल होना चाहिए n इज इक्वल टू log x विथ अ बेस a है। अगर n इज इक्वल टू log x विथ अ बेस a है तो x इज इक्वल टू ए टू द पावर n है। दोनों वाइस वर्सा है, दोनों कहानी एक दूसरे से ही आई हुई है। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस नाउ। सो जो अभी कहानी मैंने सुनाई, राइट, 2 cube is equal to 8 in logarithmic form means 3 is equal to log 8 with a base 2. How much power you have to raise to 2 to get the value 8? So obviously the number will be 3 itself. Right? How much power you have to raise to the base to get the value of the identity? Right? Now, अब इसी चीज को 2 टू द पावर माइनस 1 माइनस 3 अगर मैं कर देता हूं तो व्हाट पावर यू हैव टू रेज टू 2 टू गेट द वैल्यू 1/8, तो ऑब्वियसली द वैल्यू विल बी माइनस 3। माइनस कहां से आता है लॉग में, ये ध्यान से देखें, ये पावर के कारण आ रहा है, पावर आपने रखा हुआ है तो नंबर 1 अपॉन चला जा रहा है जिसके कारण यू आर गेटिंग माइनस साइन। नाउ प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज होती है इसको देखिए, धीरे 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 ये पूरी चीजें दिमाग में बैठानी है आपको, राइट। सबसे पहले तो चीज, लॉग वन की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, राइट, वैल्यू ऑफ लॉग वन विल बी ऑलवेज जीरो। वन का मतलब ही समझ गए होंगे, ए टू द पावर जीरो इज ऑलवेज वन, लेकिन ख्याल रखना ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो है एंड नॉट इक्वल टू वन। जो बेस होगा लिख के भी रखना, बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन। ओके, डन। सेकंड, बेस और आइडेंटिटी दोनों सेम है, लॉग ए विथ अ बेस ए द वैल्यू विल बी वन ओनली। दोनों अगर सेम आ रहे हैं, बेस एंड आइडेंटिटी दोनों सेम है, सो वैल्यू विल बी वन ओनली, राइट। एंड अगर मैं ये इनवर्स प्रॉपर्टी होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इसे पहले आप लोग लिखें, कम से कम 2 से 3 बार लिखें इसे। This is called inverse property. राइट, अगर ये ऐसा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट,
ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना ये ए है और लॉग का बेस भी ए है विथ दिस एक्स, तो यू हैव टू राइट डाउन एक्स ओनली, राइट। ये ए है, ये ए है, ये दोनों जो गिवन है ये दोनों ए हैं, राइट। ठीक है, ये दोनों ए हैं, तब के लिए ये एक्स आया एंड दिस इज नोन एज वन टू वन। यस व्रज सर, हाउ टू रीड इट? हाउ टू रीड ए टू द पावर लॉग एक्स विद अ बेस ए इज इक्वल टू एक्स ओनली, ए टू द पावर लॉग एक्स विद अ बेस ए इज इक्वल टू एक्स ओनली एंड फोर्थ वन एंड गो फॉर द फोर्थ वन। राइट, ये दिस इज कॉल्ड वन टू वन प्रॉपर्टी। व्हाट इज दिस वन टू वन प्रॉपर्टी? वन टू वन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इफ यू आर सेइंग दो फंक्शन को आपने इक्वेट किया है तो वो किसी एक वैल्यूज के लिए ही दोनों इक्वेट होंगे, राइट। जैसे आप बोलते हो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है, तो एक्स की एक नहीं दो वैल्यूज होती है वहां पर, प्लस माइनस फोर, राइट। लेकिन अगर x is equal to 4 बोल रहे हो तो वो वन ही वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करता, दैट्स x is equal to 4 only. तो दैट्स कॉल्ड वन टू वन प्रॉपर्टी, एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करता है। यहां पर अगर आप ध्यान दो लॉग का फंक्शन जो होता है ये वन टू वन प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करता है। वन टू वन प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने का मतलब होता है अगर मैंने log x is equal to log y रखा हुआ है तो वैल्यू x और y की दोनों सेम होनी चाहिए, बशर्ते पहली बात हुई हुई है लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगी वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, राइट। लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए और लॉग का बेस भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और लॉग का बेस कभी वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। ये चार प्रॉपर्टी और ये जो तीन बातें मैंने कही है ये तीन जल्दी से लिखे फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने तीन और प्रॉपर्टी जो आपको लिखने को कहा है वो ख्याल रखना, तीन और प्रॉपर्टी जो है लॉग हमेशा लॉग के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो होगी। जैसे लॉग एक्स बेस ए गिवन है, एक्सक्यूज मी, लॉग एक्स बेस ए गिवन है, एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, ए ग्रेटर देन जीरो होगा एंड ए नॉट इक्वल टू वन। यस सौरभ, वेरी वेरी गुड, सही बोला। नॉट फॉर डिफरेंट बेसिस, ये जो बात हो रही है फोर्थ प्रॉपर्टी जो बात कर रहा हूं ये सेम बेस के लिए ही बात हो रही है, राइट। ये जो भी लिखा हुआ है ए लिखने का सिंबॉलिक मतलब ये है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों में ही ए लिखने का सिंबॉलिक मतलब ये है कि दोनों बेसिस सेम है, राइट। दोनों बेस जो वहां पर दिख रहे हैं आपको दोनों सेम बेस हैं, उसी की बात हो रही है। सेम मतलब टू है तो दोनों में ही टू होगा, थ्री है तो दोनों में ही थ्री होगा, राइट। सेम बेस के लिए वी आर वर्किंग देयर सर। और वो लॉग के अंदर की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी वो वाला एक और बार बताओ ना। ये मैंने ये बोला कि जैसे लॉग एक्स विथ अ बेस ए सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है उसी को मैं ले लेता हूँ, मान लो ये है ना। तो यहाँ पर तीन चीजें आपको अपने आप लिखना है, क्या क्या, एक x ग्रेटर देन जीरो है, ये मतलब आप समझ जाएं कि लॉग लिखने का आपको पे करना है ना, ये तीन होगा तभी ये पूरी कहानी चल रही है। x ग्रेटर देन जीरो है, a ग्रेटर देन जीरो है एंड a नॉट इक्वल टू वन है, राइट। ये तीन चीजें मैंने आपको बोली। डन एवरीवन, सभी ने लिख लिया ये पूरी प्रॉपर्टीज।
इसी पर बेस हम लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसलिए केयरफुली वी हैव टू स्टार्ट. राइट, जल्दी से. अब यहां पर मैंने कुछ 10-1 लिख के रखे हुए हैं, इसमें शायद 2-1 जैसा हो गया बट चलेगा. इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, जल्दी से देख के बताएं, मतलब बताएं नहीं, चैट में लिख डालें. Let's start. Yes, Aditya. Yes, Aditya. बहुत बार लिख लिया, कितना लिखेगा, हाथ दर्ज कर जाएगा, मत लिख इतना. हाँ, would you explain, Aditya? Why second is false? Aditya, unmute yourself. Aditya, unmute yourself. I'm yes, not... sir. Why second is false? What power you have to raise to 3 to get 81? It is not false. It's true. It's true, right? Yes, so sir. This must be okay, right? The second you said, the fourth one, right? What power you have to raise to 6 to get the value 6? One. So what is written there? One. So this is false or true? True. Okay. The fourth. Come for the eighth one. What power you have to raise to 1/2 to get the value 1/8? What power you have to raise to 1/2 to get the value 1/8? What power you have to raise to this value to get 1/8, right? What power? Yes, 3. So I guess it's written 3 in both the cases. So what you can say? This is true, right? This is again true, and these are true, and rest obviously that are true. So all of these are true. जितने भी लिखे हुए हैं सब के सब यहाँ पर सही हैं. None of these are false. Is it okay, everyone? Anyone want to ask anything? Right?
So how come 3, third question is true? 9 to the power, what you have to raise to power 9 to get the value 1 by 3. So what power you will raise to 9 to get 3? 3 raise 3 ke liye, what power you have to give to 9? Half. Is okay? But if you have to write down 1 by 3 instead of 3, what power you will give? Minus of this. Because we know that 3 to the power minus 1 is nothing but 1 by 3. Right? And 9 is nothing but under root of 9. Under root of 9 means 9 to the power 1 by 2. With minus sign, so you'll get this. Okay? Okay? Yes, sir. Okay, everyone? I guess all sabke answer sahi, sahi, sahi. Atharva, you want to ask anything? Okay? Sure. Right, so this is the base where you have to go for this. Jaldi se ise dekh ke batao to kya kya answers honge. Write down all at a time, all at a time, not one by one, all at a time. All at a time, all at a time. Very good, Aritya. Very good, Bita. Careful, Saurabh, careful. Dhyan se dekho. Everyone, write it down, write it down. Very good, Vasist. Devans, very good. Piyush, very good. All at a time, I'm saying Pius. Yasmin, check karo answer phir se. I guess done, everyone. Log 6 with the base 6, answer will be 1. Like log 3 to the power 5, this 5 will be coming outside. This going for the inverse property, like 9 only. 7 to the power log 9 with the base 7. Na, maine bola tha, ye jo number hai, this number will go to this. ना ये इंटरचेंज हो जाएंगे. ये सोचो 9 और 7 इंटरचेंज हो जाने हैं. अगर 9 और 7 इंटरचेंज हो गया है तो log 7 विद द बेस 7 जो होगा उसकी वैल्यू 1 होगी. सो द आंसर विल बी 9 ओनली. यस, आस्क फास्ट. वांट टू आस्क एनीथिंग? नो. Sure. Sir, last की property फिर से
फिर से एक बार प्लीज किसी ने लास्ट की प्रॉपर्टी। सर्वेस आप यहाँ क्या कर रहे हो? सर लॉक पढ़ना है। लास्ट की प्रॉपर्टी, लास्ट की प्रॉपर्टी नहीं एप्लीकेशन है, वो तो पहले ही बता दिया प्रॉपर्टी। रुक जाए एक मिनट, ये फिर से मेरे को पुराने में ले जाएगा। ये वाला, ये प्रॉपर्टी था, यहाँ 77 लिखा हुआ है एक जगह और x की जगह 9 लिखा हुआ है, तो क्या होगा? ठीक है, ये हम लोगों ने किया था अभी, राइट नाउ जल्दी से अब यहाँ पर कुछ हमने क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया हुआ है आपके लिए, राइट। फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करनी है इस पे, हाँ। एंड सेकंड वाले में आपको लॉग पूरे जो गिवन है सेम फिर से यहाँ पर फाइंड करनी है, राइट। नहीं ऐसे नहीं लिखना ना, एक लिखा दो लिखा, पूरा कंप्लीट कर लो, ये 12 क्वेश्चन और ये 16 क्वेश्चन, उसके बाद एक साथ लिखना ना। टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है ना, सबको मोदक मिलेगा, लाइन पे आना है बस।
Devans, very good. Saurabh, very good. Aritya, very good. Na careful rehna calculation ke liye. Very good. Dhruv, very good. Pratyush, very good. Yojit, Sanya. Very good. Kevin, very good. Tanis, very good. 2 minute aur, 2 minute mein start karunga main, 2 minute mein, do it fast. Start. First is answer 2, 0. (16^2) will be 4. 2^-3 will be 1/8. 5^0 will be 1. 2^3 will be 8. 7^-1 will be 1/7. 3^-2 will be 1/9. Y, right? When you will transfer this to y^5 is equal to 32. And y is 2. 2^32. Right? 9. I'll transfer this 9 here. 9^-1/2. Right? 1/3. 4. This is the tricky one, right? -2. 2^2 and 8, we know that this is 2^-3. Right? So what power we have to raise to this to get this value? Right, so we know that the value will be -3/2. 2 square ko mere ko 2^-3 bana, -3 banana hai. So only giving the power n is equals to -3/2 will get this value. Right. 9, what power we have to give to 9 to get the value? 1/81. To 9 square is 81, but with minus sign, to 9^-2 will give you the answer for this, right? How many of you got all 12 correct? Write down yes in chat. Okay, now go for this second. This will be 0, 4. This is 1. This is 3. 7^3 will be 3. This will be 3 again, right? This will be 3/2, right? This will be
8 एंड 16 को मैंने पहले इंटरचेंज किया, दिस पावर चला जाएगा मेरे पास log 16 विद अ बेस 4, दिस विल बी 64. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल करेक्ट? अगेन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? प्लीज आस्क. सर वो लास्ट वाला जैसे मैंने बता दूंगा, चैट में लिख दो बेटा, एकदम आ जाएगा आपके पास. 16 एंड 8 इंटरचेंज होंगे तो दिस विल बी 8 टू द पावर लॉग 16 विथ अ बेस 4. एंड वी नो दैट लॉग 16 विथ अ बेस 4 इज नथिंग बट 2 ओनली, एंड दिस कम्स एज 8 टू द पावर 2, दैट्स 64. Okay. Next. Right. Go for this again. Jaise 8 square is equal to 64. So you have to write down log 64 with a base 8 is equal to 2. यहाँ पर ध्यान देना, ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें थोड़ा जोश में एक जीरो अधिक हो गया ना. Do it fast. नया लैंग्वेज है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए बहुत वैरायटी रखा हूं. अथर्वा क्या नहीं समझ में आया? क्लियर है सर?
वेरी गुड फास्ट 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 एवरीवन फास्ट डू इट फास्ट Start now. Look at first one. This is log 64 with a base 8. This is log 1000 with a base 10. This is log 1 by 16 with a base 4. Right? Log 1 by 81 with a base 3. Log 32 with a base half. Log 27 with a base 1 by 3. Log y with a base x is equal to 2z. Log y with a base x is equal to half. Right? This is 3 to the power 4 is equal to 81. 7 to the power 1 is equal to 7. 1 by 2 to the power 3 is equal to 1 by 8. 3 to the power 0 is equal to 1. 64 to the power minus 3 is 4. 1 by 36, 6 to the power minus 2 is equal to 1 by 36. X to the power z is equal to y. M to the power half is equal to n. Right? Okay. Done, everyone? Sahi hai sabka? Okay. Very good, everyone. Right? इसमें कुछ अब ऐसे properties हैं that you have to remember, right? The first one is जो multiplication property होती है जिसको add कर लिया जाता है log x plus log y is equal to log xy. Base same होने चाहिए, right? ये ख्याल रखना कि base same होने चाहिए. Second one, log x minus log y is equal to log x by y with a base a. Log x to the power n with a base a is n log x with base a.
लेकिन अगर बेस का पावर है तो वो वन अपॉन में आएगा. बेस का पावर है तो वो वन अपॉन में आएगा. आइडेंटिटी का पावर है तो वो न्यूमरेटर में आएगा. बेस का पावर है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा. ये फॉर्मूले जो है 6, 7, 5, 6, 7, 8 जल्दी से लिखें, कम से कम 3 बार लिखें और अभी तुरंत याद होना चाहिए. मैं रैंडमली आप लोग से पूछूंगा. डन. Devans, formula yaad? Then formula, unmute karo apne aap ko. Yes, sir. Inverse wala formula batao. इनवर्स प्रॉपर्टी ये तो देख के बताने का क्या मतलब. पेज पलट रहा है. यस पलक, वांट टू आस्क एनीथिंग? थोड़ा फास्ट करें. क्वेश्चन क्या लिखे हो एक बार इधर भेजो. पलक, yes, sir. क्या लिखना चाह रहे हो? अगर मतलब कॉम्बिनेशन है फिफ्थ और एट्थ प्रॉपर्टी का तो उसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे? क्या कॉम्बिनेशन?
मतलब जैसे log x to the base a plus log x to the base a to the power m, तो अगर उसको सिंपलीफाई करना है तो कैसे करेंगे? इस स्टेप में तो आ सकते हैं, राइट? यस सर। ना दोनों को ऐड कर दिया, m m पावर में चला जाए, पावर ये यूज कर लिया, पावर में चला गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। जो भी ऑपरेशन लगेगा उसमें बेस सेम होने चाहिए, बस ये ख्याल रखना, राइट? ओके ओके एवरीवन, फॉर्मूला याद हो गया है? सारे फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन है क्या? ये सारे फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन? हाँ सब, बिना डेरिवेशन का कुछ नहीं आता, सबका डेरिवेशन होता है। सर तो बताओगे कैसे डिराइव हुआ? x इक्वल होता है x इक्वल टू 8। सर आवाज क्रैक हो रहा है, आपकी भी आवाज नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। सर आवाज क्रैक हो रहा है, ये जो फॉर्मूला के बाद इक्वल टू ए टू दी पावर, राइट, यही फॉर्मूला बेस करते हुए हमें काम करना पड़ता है। जो भी है, अगर मैंने x1 into x2 कर लिया, मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से सुनना ना, x1 into x2 करूंगा तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, a टू दी पावर n1 into a टू दी पावर n2, मतलब a टू दी पावर n1 plus n2 चला गया, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो आ रहा है, वेट करना सभी लोग। सर आवाज थोड़ा क्रैक हो रहा है। कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं बेटा इसके लिए, इंटरनेट कनेक्शन पर ये डिपेंड करता है पूरी तरह से, ना? जैसे इंटरनेट कनेक्शन ठीक होगा आवाज ठीक से सुनाई देने लगेगी। यस सर। देखो, अगर मैं चाहता हूं कि कोई कोई हमारे पास है x1 and x2, राइट, एक नंबर है मेरा x1 जिसको मैंने बोला सेम बेस क्यों बार बार बोला जाता है, राइट, एंड एक नंबर है x2 जो कि a and 2, राइट। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो व्हाट आई एम गेटिंग, x1 into x2 is equal to a to the power n1 into a to the power n2। बेसिक फॉर्मूले में यू नो दिस, बेसिक जो आपने पढ़ा है उसमें आप जानते हो ये बात कि x1 into x2
राइट एक्स वन अगर मल्टीप्लाई करते हैं अगर सेम बेसिस है तो क्या होगा ए टू दी पावर एन वन प्लस एन टू होगा राइट द सेम बेस को चेंज करते हुए मैं काम कर रहा हूं अगर बेसिस हमारे ए दोनों में ही है तो ए टू दी पावर एन वन प्लस एन टू होगा अब अगर मैं यहां पर लॉग यूज कर रहा हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि लॉग एक्स वन एक्स टू जो मेरे पास होगा दैट इज नथिंग बट विथ अ बेस ए रखूंगा तब एन वन प्लस एन टू होगा हाँ सर एन वन की वैल्यू हमारे पास पहले से थी वो थी हमारे पास अगर एन वन को मैं अलग से सोच रहा हूँ जो हमारे पास गिवन है तो एन वन को मैं लिख सकता था log x1 with a base a और n2 को लिख सकता था log x2 with a base a हाँ सर आ गया फॉर्मूला क्या सर ना कोई भी फॉर्मूला जो है मैंने इसलिए बोला था शुरुआत में कि वही बेस है वहीं पर सब कुछ है वहीं से पूरे फॉर्मूला डिराइव होने हैं ना तो केयरफुली वी हैव टू सी दैट फॉर्मूला एंड वहीं से मेरे पास फॉर्मूला आए हुए हैं जो भी हमारे पास है log x प्लस log y याद आपको ये रखना है ख्याल ये रखना है कि बेसिस मस्ट बी सेम तब ये होगा log x y विद अ बेस ए राइट सेकंड log x माइनस log y विद अ बेस ए तो log x by y विद अ बेस ए थर्ड log अगर न्यूमरेटर में पावर हमने रखा हुआ है ये न्यूमरेटर वाले टर्म के साथ में जाएगा आइडेंटिटी के साथ में लेकिन अगर log x a टू दी पावर m हमने रखा है तो 1 बाई m log x विद अ बेस a फिफ्थ राइट दोनों ही अगर अपने आप में होता है यहाँ पर m पावर यहाँ पर n पावर तो m बाई n log x विद अ बेस a इज इट ओके यस सर राइट इतने फॉर्मूलाज है जो एकदम याद होने चाहिए पहले जो आपने फॉर्मूला किया है उसमें है log 1 बेस a 0 होगा log a विथ बेस a 1 होगा राइट जैसे हमने किया था 7 टू दी पावर log 9 विथ बेस 7 मतलब a टू दी पावर log x विथ बेस a इसकी वैल्यू जो होगी वो सिर्फ x हो जाएगी राइट right? Ninth, अगर log x with a base a is equal to log y with a base a है तो x is equal to y होगा and ये पूरे पूरे के पूरे जो fundamental है log x with a base a में सबसे important है x positive a positive but a must not be equal to y ये पूरी property में जो सबसे important part रहेगा ये होने पर ही ये पूरी कहानी हुई है आपकी Hope everyone is getting this and सब ने ये याद कर लिया फॉर्मूला सबको याद हो गए होंगे हाँ सर राइट एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग इस पूरे जहां तक हम लोगों ने अभी तक रखा है उसमें हाँ ये पूरे इतना चीज हम लोगों ने पढ़ा है जिसको अलग अलग तरीके से हमने स्टार्टिंग से ये किया हाँ मोरोवर ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर हमने स्टार्टिंग की थी x1 is equal to a to the power n1 given है इसी का मतलब है log x1 base a is equal to n1 और वहां से ही पूरे के पूरे स्टोरी है नाउ ये पूरे क्वेश्चंस पे हमने जो देखा अभी तक सर आवाज नहीं आ रहा आवाज के लिए मेरे को बोलना होगा ना बेटा आएगा आवाज जैसे बोलूंगा आ जाएगा घबराओ मत ये थर्ड एंड ये फोर्थ राइट ये दोनों हैं यहाँ एल एन जो लॉन लिखा हुआ है ना लॉन का मतलब यहाँ पर इसको आप लोगे log log a to the base e प्योर
रहने दे बेटा अभी ना, अभी आप इसको ना लॉग लोगे, इसको लिखोगे लॉग लॉग विथ अ बेस 10 ना, कोई नया चीज नहीं है। हम लोग जहां भी एल एन जब लिखा रहेगा उसको हम लोग को अभी रीड करना है लॉग विथ अ बेस 10 और ना, नॉट अ न्यू थिंग राइट, बाद में वो बताऊंगा क्या होता है। तो थर्ड एंड फोर्थ ये दो हैं, थर्ड एंड सिक्स्थ ये दो हैं आपके पास, दैट यू हैव टू डू स्टार्ट। Yes. Sir, मतलब LN को log 10 समझ के जाना है अभी के लिए। Raise your hand if you want to ask anything ना, Raj. Sir. Sir, जो उसमें दिया गया है ये जो हम लोग कर रहे हैं उसमें तो सर उन लोग ने एक का वैल्यू नहीं दिया गया, जब हम लोग कन्वर्ट करके लिखना है ना पेपर लॉग को। हाँ, 10 लेके उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन में आपको ना, अगर कहीं पर भी आपको जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैंने कहा कि आपको लॉग का बेस 10 लेके काम करना है। ठीक है, जहां पे ए का वैल्यू नहीं दिया, जहां पर भी लॉग का बेस नहीं दिया हुआ है अगर आपको जरूरत पड़ेगी लेने की तो आपको उसको 10 लेना है। ओके ओके सर। Yes, Pius. Sir, तो LN का असली वैल्यू नहीं लेने का ना, log e वाला बेस, तो log 10 लेके जाना है। क्या होता है e? Napier's constant. कहाँ से आया ये? क्यों लिया जाता है? Natural log बोलते हैं, इतना पता है, उसके बाद नहीं पता इतना कुछ। आधा पता तो क्यों बोल रहा है? बताऊंगा तो कर लेना ना। अच्छा तो log 10 लेके जाऊँ ना? तो वही तो पांच बार बोला यार। हाँ।
वेरी गुड ध्रुव। यस नाक, जस्ट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला राइट। डन सान्या, वेरी गुड। दो मिनट और दे दो, सभी का हो जाने दो। यस सर्वेस, तो समझ में नहीं आया मतलब log x square y कैसे लिखा। अभी तो फॉर्मूला पढ़ा, log x y को क्या लिखा था? सर ये पेज पलट के बताएगा तो कभी ना होगा बेटा। सर नहीं मतलब नहीं क्या नहीं, तो पेज पलट रहा अच्छा। है, आवाज सुनाई दे रहा है,
तो log x स्क्वायर y को मैं लिख सकता हूँ log x स्क्वायर प्लस log y, तो log x स्क्वायर को फिर क्या लिख सकता हूँ 2 log x, सर लेकिन बेस नहीं है, 5 बार से ऊपर मैं बोल दिया कि बेस 10 लेना, बेस 10 लेना 5 बार, कम से कम 5 बार बोला हूँगा सर, मुझे लगा ln के लिए सिर्फ, अभी 2 बार और बोल दिया मैंने, और देख ऊपर लिखा भी है उसमें log का बेस 10 है, सर मुझे लगा ln के लिए सिर्फ, तो फर्स्ट का आंसर आएगा 2 log x प्लस log y, ठीक है, सेकंड का आंसर आएगा 3 log x प्लस 2 log y माइनस log z, राइट, कहीं भी कंफ्यूजन होगा मैं लिखता भी जा रहा हूं वैसे, लेकिन आपको जहां भी लगेगा आप बोल सकते हो, मैं शेयर भी कर दूंगा साथ में, थर्ड में x का पावर हाफ है तो वो आएगा log x हाफ के साथ में, मतलब हाफ log x, y का पावर जो है वो गिवन है 2/3, तो 2/3 log y माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो z वाला माइनस में आएगा और पावर बाहर आके 4 log z, ध्यान से सब लोग सुनते जाओगे, यस ब्रज सर, तो हम लोग को ऊपर को जो प्लस नहीं करना ना, मल्टीप्लाई में ही रखना, ऊपर को प्लस नहीं करना मल्टीप्लाई, मतलब फिर से एक बार बोले, अगर मुझे स्ट्रिंग है हाफ log x प्लस 3/2 log y नहीं लिखना ना, 3/2 क्यों आएगा वो, तो 2/3 है, हां 2/3 तो क्या नहीं, क्यों आएगा वो आएगा, एकदम आएगा, क्या लिखा हुआ है वो शेयर करूं, अभी दिखाता हूं बेटा आपको, ये देखिए दिख रहा है आपको, हाँ क्या कंफ्यूजन बोले, इस पहले में कंफ्यूजन है, ये देखो 2/3 आया है log y के साथ में एंड log z आ गया है, ओके सर क्लियर हो गया सर, राइट, फोर्थ फिफ्थ ध्यान से देखो, फिफ्थ क्या जा रहा है वो देखना, log x माइनस log y माइनस log z, सिक्स्थ पहले जो 2 बाहर आ जाएगा, x बाय y दोनों के स्क्वायर है, 2 log x माइनस log y, 7 1/3 log x प्लस log y, 8 log x प्लस 1/2 log z, 9 1/3 log x माइनस 1/3 log y माइनस 1/3 log z, 10 सबका पावर 1/4 है ही, तो 3/4 log x प्लस 1/2 log y माइनस 1 इंटू log z, 11 देखो log 1 x है और यहां पर x का पावर 1/4 है अपॉन z का पावर 1/2 है, 5/4 log x माइनस 1/2 log z, 12 राइट 1/2 log x प्लस log y माइनस 4 log z, यस अथर्व सर, अगर 11th log x प्लस 1/4 log x ही रखें तो चलेगा, मतलब उसको फर्दर तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना, लाइक टर्म अनलाइक टर्म याद है ना, क्लास 8 में पढ़े होंगे, लाइक एक साथ ऐड कर देना होता है, जो लाइक टर्म नहीं होते उनको नहीं ऐड करना होता, ओके सर, मतलब लास्ट आंसर तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना ऐड करके बेटा ना, तो
ऑल 12 करेक्ट कितने लोगों के हैं राइट डाउन यस अरे वाह काफी लोगों के हैं फर्स्ट साफ है log x माइनस 3 log y सही जा रहा है सेकंड ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है log a माइनस b इज इक्वल टू log a माइनस log b ये कब होता जब ये log a बाई b होता तब होता तो log a माइनस b तो पॉसिबल ही नहीं है थर्ड ध्यान दो k जो है वो बाहर आ जाता है यूजुअली ये हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा और आप लोग मैच्योर हो गए तो बताऊंगा इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे राइट फोर्थ राइट ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है फिफ्थ फिर से वही बात हो गई ये सब ना मिसलीड वाले फॉर्मूले हैं लगता है सही है बट गड़बड़ है राइट सिक्स्थ में भी देखो पूरे का पावर है ए का पावर होता तो ये वैलिड हो जाता बट ये ए का पावर नहीं है ये पूरे का पावर है राइट सेवन्थ ऑब्वियसली ए वेरी गुड बिल्कुल सही है इसको मैंने कहा था एट्थ वाले को आपको माइनस लॉग वन बाई एक्स बेस टेन ही रखना है तो इसमें ये एक्स टू दी पावर माइनस वन हो गया तो इसे लिख सकता हूँ लॉग एक्स विद अ बेस टेन बिल्कुल सही है नाइन्थ लॉग एक्स टू दी पावर के एक्स टू दी पावर हाफ राइट के अपॉन हाफ लॉग एक्स विद अ बेस एक्स लॉग एक्स विद अ बेस एक्स की वैल्यू वन हो गई ये टू ऊपर जाके 2k हो गया इज इट ओके राइट ठीक है करेक्ट इनकरेक्ट ये पूरा का पूरा आप लोगों को मिल गया होगा सभी को ओके तो नेक्स्ट एक और मैं आप लोगों को दे रहा हूं वर्किंग सेवेंथ मैंने जो कहा हुआ है जहां पर लॉन दिया हुआ है विथ अ बेस नहीं दिया हुआ है उसको लॉग को बेस टेन ले लोगे जहां पर भी लॉग का बेस आपको नहीं दिख रहा है और यूज करना है राइट तो हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे ये पूरा का पूरा फोटो भी ले लीजिएगा ये पूरा होमवर्क भी आपका रहेगा 7, 8 and 9 सेवन के क्वेश्चन नंबर आप जो अभी करने जा रहे हैं वह है क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन फोर्थ एंड क्वेश्चन एट तीन क्वेश्चन मैंने दिया है बस सेकंड फोर्थ एंड एट ऑफ सेवन
डन डन एवरीवन Very good, Dhruv. Yojit, very good. Aditya, very good. पूरे homework है बेटा, अभी और भी दे रहा हूँ अभी homework के लिए. Look, ये वाले में तो simply ये base 10 है, right? 10 will go there. This is 10 square 100. 3x minus 2 is equals to 100. X is equal to 102 by 3. 30. Second, you can write log x square minus x is equal to log 4x, right? So we can write x square minus x is equal to 4x, 1-1 property say. So x square minus 5x is equal to 0, to either x is equal to 0 or 5. But fortunately, unfortunately, 0 nahi ho sakta, kyunki hum logon ne pehle padha hua hai ki log hamesha greater than 0 hona chahiye. Aur ye quantity bhi negative aa jayegi. Log x plus 1 into x minus 2 with a base 2 is equal to 2. X square minus x minus 2 is equal to 2 square is 4. So x square minus x minus 6 is equal to 0. X minus 3, x plus 2 is equal to 0. I'm getting x is equal to 3 and x is equal to minus 2. राइट अब ये x इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 2 आ रहा है तो यहाँ थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा राइट अगर मैंने माइनस 2 पुट किया तो ये कहानी थोड़ी खराब हो जाएगी क्योंकि ये लॉग माइनस 4 आ जाएगा ये लॉग माइनस 1 आ जाएगा लॉग नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है सो वी हैव टू डिस्कार्ड दिस वैल्यू राइट मुझे केवल ये वाली वैल्यू है जो काम कर सकती है वो भी चेक करना पड़ेगा लुक बैक ऑलवेज लुक बैक इनटू द क्वेश्चन राइट 3 माइनस 2 1 पर काम कर रहा है 3 प्लस 1 4 पर काम कर रहा है तो दोनों पर दिस विल वर्क राइट दोनों पर ये काम कर जाएगा इज इट ओके राइट सो x इज इक्वल टू 3 इज ऑनली द सॉल्यूशन ना ये नहीं रहेगा ये तीन क्वेश्चंस पे सिंपल है बेसिक प्रॉपर्टीज मैं चाहता था कि आप लोगों को आज बता पाऊं ना बेसिक प्रॉपर्टीज मैं बता पाऊं जिसमें यू कैन यूज द प्रॉपर्टी एंड आराम से आप उसको यूज कर पाओ एंड यू कैन राइट डाउन थिंग्स अकॉर्डिंगली राइट सो
ये बेसिक प्रॉपर्टी के लिए कुछ हम लोगों ने आज यहाँ तक ही कहानी रखी।